मियां साहब अब तो जजों ने कह दिया है, अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, दो महीने बाद जाएं, तीन महीने बाद जाएं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। जाने से पहले मार्च का इंतजार बेकार, नून लीग को सेनेट इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। आसिफ अली जरदारी का बदीन में खिताब, वजीर आजम गरीब दुश्मन, शेर कागजी और बल्ला देसी करार। पनामा कानूनी मैच की दूसरी इनिंग्स का हंगामा, जीआईटी के लिए स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नाम मुस्तरद, सरबराहान जुमे को तलब, अफसरान हीरे जैसे शफाफ हों, जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमांड। मुशावरत से माहिर अफसरान के नाम भेजे, अब पौने 200 अफराद की लिस्ट भेज देंगे चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी का रद्देअमल। डॉन लीक्स रिपोर्ट की हलचल खत्म ना हुई, राव तहसीन को हटाए जाने के बाद सलीम बेग प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत, रहनुमाओं की मीडिया गुफ्तगू पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, अदालती अहाते में गैर मुतालिक अफराद की मीडिया चौक पर पाबंदी। इमरान खान नाअहली केस में मीडिया टॉक पर पाबंदी, नाकाबिले फहम है, साद रफी कहते हैं कप्तान जलसों में फैसले मस्त करके पेश करते हैं, आयन के तहत सब बराबर हैं। डॉक्टर आसिम का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त, विपाक ने सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली, जाले रहनुमा की गवर्नर सिंध से मुलाकात। लोड शेडिंग के खिलाफ कल पीपल्स पार्टी का दमादम मस्कल अंदर, नासिर बाग लाहौर में मैदान लगेगा, कमर जमान कायरा कहते हैं पैनामा और डॉन लीक्स के बाद हुकूमत के रहने का कोई जवाब नहीं। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, अब खामखास शोर मचा रहे हैं, 2018 में बिजली का बहरान मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, आबिद शेर अली का दावा। कोई टाइम टेबल नहीं है, लाइन जरिए में लाइट जाने का 1 घंटे आती है, 3-3 घंटे के लिए लाइट चले जाती है। जिंदगी तो बहुत मुश्किल है भाई, इतनी मुश्किल है कि बस पूछो मत, दिल करता है कि खुदकुशी कर ले पर वो भी नहीं कर सकते, हम तो इतने परेशान है लाइन और इलेक्ट्रिक वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लाइन एरिया में शहरी बिलबिला उठे, कई इलाकों में बत्ती की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया, पानी का भी बहरान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन हम मनसब की मुलाकात, इलाकाई सलामती और तआवुन के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मोदी सरकार का तासुब खुलकर सामने आ गया, दौरे पर भारत गए 50 पाकिस्तानी तलबा को वापस भिजवा दिया गया, बच्चे वाहका बॉर्डर पहुंच गए। बातें ना बनाओ सबूत है तो लाओ, भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने फौजियों की लाशों की बेहरमती का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। आज थानों में भी वडेरा राज, थरपारकर में थानेदार की सीट पर बैठकर बदतमीजी, माफी मांगने वाला एसएचओ और डीएसपी मुअत्तल, जागीरदार जैद तालपुर का बेटा गिरफ्तार, पकड़े जाते ही इंग्लिश में माफी। गुजरावाला के शालीमार टाउन में बैंक डकैती, गार्ड की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। इस्लामाबाद में जेर तरबियत नर्सिस के दौरान ड्यूटी नकाब पर पाबंदी लगाने का फैसला, सिफारिश हिफाजती और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर की गई।